तो दोस्तों हम इस वीडियो में आज देखने वाले हैं कि आप अपने मोबाइल में पीसी लेवल का वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो। इस एप्लीकेशन की मदद से दोस्तों आप आपको वीडियो को एडिट कर सकते हो बिना किसी वाटरमार्क के, और इसके लिए आपको एप्लीकेशन का पेड करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। दोस्तों अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को एक लाइक भी कर देना। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर दें। दोस्तों इसके लिए आपको फिल्मोरा को एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा, जिसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहाँ से आप उस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना होगा कि यहाँ पर आप जैसे ही फिल्मोरा गो पे आ जाओ, यहाँ पर आपको स्टोर का ऑप्शन दिख रहा होगा। आपको स्टोर पे जाकर जो सारी थीम्स हैं आपको उन्हें डाउनलोड कर लेनी है, जिससे कि दोस्तों आपका वीडियो एकदम प्रोफेशनल तरीके से आप बना पाओ, एकदम पीसी लेवल का। तो दोस्तों यहाँ से आपको जो भी पूरी थीम्स आपको जो है डाउनलोड कर लेनी है। ये थीम जो है बिल्कुल फ्री है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या काम करना होगा कि यहाँ पर आपको आपके वीडियो को इंपोर्ट कर लेना है। यहाँ पर आपको इंपोर्ट का बटन दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप अपनी वीडियो को इंपोर्ट कर सकते हो। तो दोस्तों जैसे आपकी वीडियो इंपोर्ट हो जाए, आप यहाँ पर आपको कुछ इंटरफेस, यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन जो मिल जाएंगे वीडियो एडिट करने के, वो आपको मिल जाएंगे। दोस्तों जो दूसरा काम है, आपकी वीडियो को आपको स्ट्रिप योर वीडियो, आपकी वीडियो को आपको टुकड़े टुकड़ों में काट लेना, जैसे कि आपको उसके अंदर आप ट्रांजेक्शन वगैरह सब वो ऐड कर सको। तो दोस्तों सबसे पहले हमें यही काम करना होगा कि हमारी वीडियो को जो छोटे छोटे स्ट्रिप में काट लेना है आपके हिसाब से, जैसा जिस तरह से आप उसे एडिट करना चाहते हो। तो दोस्तों सबसे पहले आपको यही काम कर लेना है। मैं पहले जो है वीडियो को थोड़ा स्ट्रिप कर लेता हूँ। और दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट है, अपनी वीडियो में फ़िल्टर कैसे डालें, तो दोस्तों हम इसी के बारे में अभी देखने वाले। तो दोस्तों यहाँ पर आपको फ़िल्टर का ऑप्शन मिल जाएगा, यहाँ पर जाकर दोस्तों आप आपके वीडियो को अच्छे अच्छे फ़िल्टर दे सकते हो, बिल्कुल एकदम पीसी लेवल के। दोस्तों इस एप्लीकेशन में आपको पीसी में जो जो फ़िल्टर होते हैं आपको बिल्कुल वही फ़िल्टर आपको यहाँ पे मिल जाएगी। और दोस्तों यहाँ पर आप इसे आप थोड़ा एडजस्टमेंट भी कर सकते हो दोस्तों, आपके हिसाब से आप जिस तरह से चाहो उस तरह से। दोस्तों यहाँ पर आपको ट्रांजेक्शन के भी एक ऑप्शन मिल जाएंगे, तो आप देख पा रहे हैं कुछ मतलब हाई लेवल के ट्रांजेक्शन आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगी। तो दोस्तों आप जिस तरह के चाहो उस तरह के ट्रांजेक्शन अपने वीडियो में एडिट कर सकते हो। दोस्तों आपने वहाँ पर जो स्ट्रिप काटा था छोटे छोटे टुकड़ों में, दोस्तों आप उसी की हेल्प लेकर आप यहाँ पर अपने वीडियो में ट्रांजेक्शन लगा सकते हो आपकी वीडियो को, जो कि अपने वीडियो को और भी प्रोफेशनल बना सके। उसके बाद जो दोस्तों आपको यहाँ पर जो नीचे लेयर दिख रही होंगी उसको आपके हिसाब से एडजस्ट कर लेना है कि आपको ट्रांजेक्शन को आप कितना वहाँ पर आप रखना चाहते हो। उसके बाद जो दोस्तों आप यहाँ से आपकी वीडियो को आप कलर ग्रेडिंग भी कर सकते हो अपने हिसाब से। तो दोस्तों कलर ग्रेडिंग करने के बाद आपकी वीडियो और भी प्रोफेशनल लुक में लगती है। तो दोस्तों आप यहाँ पर आप अपनी वीडियो को आप कलर ग्रेडिंग कर लेना अपने हिसाब से। दोस्तों आप यहाँ पर जैसे मैं भी मेरे हिसाब थोड़ा इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर दोस्तों आपको हर टाइप के जो है कलर ग्रेडिंग के ऑप्शन आते हैं जो हमारे पीसी में होते हैं, दोस्तों आपको इसी एप्लीकेशन के अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे। तो दोस्तों जैसे ही मैं भी मेरी इस वीडियो को नॉर्मल सी वीडियो को थोड़ा कलर ग्रेडिंग कर लेता हूँ, जिससे ये और भी प्रोफेशनल लुक में लग सके। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट फीचर्स के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों ये है टेक्स्ट, आप आपकी वीडियो में टेक्स्ट भी लगा सकते हो, या फिर आप अगर यूट्यूबर हो तो स्टिकर भी लगा सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके वीडियो पर नाम लिखना चाहते हो या फिर कुछ भी सब्सक्राइब वाला बटन लिखना चाहते हो, तो दोस्तों यहाँ पर आपको नाम लिख लेना है। और दोस्तों इसमें आपको एनिमेशन भी मिल जाएगी, और आप आपके जो है टेक्स्ट का आप नाम भी उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पर आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे, यहाँ पर आप स्ट्रोक भी लगा सकते हो, बॉर्डर भी दे सकते हो, शेडो का भी ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। दोस्तों आप जिस तरह से चाहो उस तरह से आपको यहाँ पर आप एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट का भी एक बटन दिया गया है, और दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे, स्ट्रोक का भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है आपके टेक्स्ट को यहाँ पर आप एनिमेशन भी दे सकते हो, आपके टेक्स्ट को आपके जिस हिसाब से चाहो उसे आप एनिमेट कर सकते हो। तो ये दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे एनिमेट के, या आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से रोल होके आ रहा है। इसी तरह से दोस्तों आप इस टेक्स्ट के वाले जो फीचर को आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो दोस्तों इसके बाद जो हम बात करने वाले हैं ऐड म्यूज़िक के बारे में। तो दोस्तों इस एप्लीकेशन की मदद से आप म्यूज़िक को भी ऐड कर सकते हो अपने हिसाब से। दोस्तों आप चाहो तो इस एप्लीकेशन में भी आपको बहुत सारे म्यूज़िक मिल जाएंगे, या फिर दोस्तों आपकी गैलरी से भी यहाँ पर आप म्यूज़िक ले सकते हो। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर आपको बहुत सारे म्यूज़िक भी मिल जाएंगे, और आप अपनी गैलरी से भी म्यूज़िक को ले सकते हो। तो दोस्तों उम्मीद है आपको वीडियो समझ में आई होंगी।